गुलशन जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। ट्रेलर देखा मैंने, बहुत ही सस्पेंस ट्रेलर है, काफी सस्पेंस थ्रिलर ट्रेलर है, काफी एनर्जेटिक भी है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हो रहा है, किसने किसका कत्ल किया। तो आप पहले तो ये जानना चाहिए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका, क्योंकि काफी डिफरेंट मूवी ला रहे हैं आप। हाँ, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अलग अलग जॉनर्स में कुछ अलग अलग प्रदर्शन करूं अपनी कला का। तो मैं तो क्राफ्ट्समैन हूँ, तो कनिष्क ने मुझे एक मौका दिया, और प्रोड्यूसर्स ऑड बॉल पिक्चर्स नितिन उपाध्याय, उन्होंने अप्रोच किया था। एक स्क्रिप्ट हमारे पास, एक नए डायरेक्टर है कनिष्क वर्मा, जिन्होंने लिखी है ये स्टोरी, हम चाहते हैं कि आप सुने। तो मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी, और खासकर इसकी एंडिंग बहुत अच्छी लगी मुझे। इस तरह से फिल्म की समाप्ति होती है, मुझे बड़ी अच्छी लगी। वहां पे कुछ कुछ नयापन नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ तो है बात उसमें जो आई थिंक दर्शक एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। और वैसे कहानी वैसे सरल, बहुत सिंपल है। एक सीरियल किलर है, और एक सीबीआई अफसर है, और पूरी सीबीआई अफसर और उसकी टीम सीरियल किलर को पकड़ने के चक्कर में है। सीरियल किलर बहुत ही शातिर है, वो क्लूज छोड़ता, घड़ी घड़ी क्लूज छोड़ता है कि ठीक है तुम लोगों में ताकत है तो पकड़ के देखो। तो ये नेट नेट कहानी ये है, लेकिन ऊपर से तो बहुत सरल और सिंपल कहानी है, लेकिन इसमें कई कई सारे लेयर्स हैं। तो फिल्म ऑब्सेशन के बारे में, तो उस चीज को उस चीजों के बारे में भी कुछ टिप्पणियां आपको नजर आएंगी। लेयर्स धीरे धीरे जैसे फिल्म रफ्तार पकड़ती है, तो तकरीबन 1 घंटा और 56 मिनट की फिल्म है, बहुत जल्दी से समाप्त हो जाती है फिल्म, और बहुत रफ्तार से ये फिल्म शुरू होती है और खत्म भी होती है। जी, तो इसलिए ये वो रीजन है कि इस फिल्म का नाम भूत फेरी रखा है आपने, आपकी टीम ने, डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने। डायरेक्टर ने डायरेक्टर डायरेक्टर की प्रेरणा जो है थ्रिलर फिल्म, थ्रिलर जॉनर से काफी कुछ है, और कुछ ऐसे डायरेक्टर्स भी हैं जिनसे उनको बहुत प्रेरणा मिली है। तो उन्होंने बहुत सारी किताबों से भी इंस्पिरेशन लिया है, उनमें से माइंड हंटर जिसपे सीरीज भी बनी है, एक फॉरेन सीरीज भी है, हॉलीवुड की सीरीज भी है, लेकिन उससे पहले ही वो किताब पढ़ चुके थे कनिष्क वर्मा। और कई सारे रियल केसेस पे आधारित भी आपके उनके कुछ अंश दिखाई देंगे आपको, हमारे हमारी स्टोरीज और हमारे केसेस में भी। हालांकि ये सारी घटनाएं मुंबई में घटती है, हमारी कहानी मुंबई बेस्ड है, लेकिन इसकी प्रेरणा जो है आपको उस किताब से मिलेगी, जो आई थिंक एफबीआई के जो सबसे पहले एफबीआई के जो स्थापक जो थे, जिसकी स्थापना की थी सबसे पहले डायरेक्टर थे, उनका नाम मैं भूल गया, उनकी लिखी हुई किताब है। तो उनके साथ बहुत सारे टेक्निक्स और ये सब आपको देखना मिलेगा एज विवान देशमुख, और हमारी सीबीआई टीम उन चीजों को का पालन करती है। तो क्या था सवाल, क्या था नहीं, आपका? इसलिए नाम फूड फैरी हाँ, फूड रखा फैरी। है मेरा हाँ, फूड सवाल। फैरी तो एक किलर है, तो एक बहुत ही इस किलर के ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी हैं अंग्रेजी में, और अन्य भाषा में बनी होगी शायद। टूथ फेरी नाम से एक सीरियल किलर था, तो उससे प्रेरणा लेके फूड फेरी ऐसा कनिष्क वर्मा ने रखा। तो जब मैं अपना थोड़ा सा होमवर्क कर रहा था तो मैंने देखा कि इस पर फिल्में और भी बन चुकी हैं, करेक्ट? तो किस चीज आप पे? फूड हाँ, फेरी पर, सीरियल किलर पे बहुत। हाँ हाँ, तो कुछ आपने ऐसे, हालांकि हमने आपकी कमांडो भी देखी थी, वहां पे आप बड़े ही डिफरेंट अंदाज में दिखाई दिए थे, तो कुछ ऐसे वर्कशॉप किया आपने इस तरह के कैरेक्टर में अपने आप को ढालने के लिए, या क्या कुछ आपने कोई ऐसी फिल्में देखी आपने? नहीं, फिल्में नहीं देखी हमने, मैंने तो सिर्फ स्क्रिप्ट के ऊपर, क्योंकि हमारे पास समय था। हालांकि बहुत सिंपल फिल्म थी, 34 डेज का हमारा शेड्यूल था, वैसे कुछ कहने के लिए कितना मुश्किल नहीं था, क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजरल आइटम्स सब स्क्रिप्ट में ही था। लेकिन 2 महीने थे हमारे पास, तो कनिष्क और हमने डिसाइड किया कि जो 2 महीने हैं शूटिंग से पहले, हम लोग हफ्ते में 3-4 बार मिलके स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कशंस करेंगे, इसको पढ़ेंगे, और जो जो आर्टिस्ट अवेलेबल है उनको बुला के हम लोग एक रीडिंग करेंगे, कोल्ड रीडिंग करेंगे, क्रिएटिव डिस्कशंस करेंगे, और जहां जहां पॉसिबल है रिहर्सल्स करेंगे। तो 2 महीने तक हम लोगों ने लगातार 2-3 बार हफ्ते में हम लोग मिलते रहे, और इस चीज पे डिस्कशन करते गए। उससे क्या होगा, एकदम पक गए हम लोग, मतलब एकदम बहुत सॉलिड फाउंडेशन हो गया। तो सबको अपने अपने किरदारों के बारे में बहुत ठोस मजबूत तरीके से पता था, और बारीकियां भी समझ में आ रही थी। तो कुछ कुछ नजर आ रहा था कि अच्छा स्क्रिप्ट में ऐसा है। तो आप ये 2 मंथ्स करेंगे तो फिर आप सेट पे पहुंचेंगे, तो बहुत आसानी हो जाती है, फिर इम्पल्स पे काम होता है, आपको अपने लाइंस पता है, अपने क्यूज पता है,
दूसरों के भी लाइंस पता है, सीन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या होना है, इसकी शुरुआत क्या है, इसका मिडिल क्या है, इसका अंत क्या है, सीन का ऑब्जेक्टिव क्या है, हर किसी किरदार का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हम बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं जो प्रमुख कलाकार है, जो प्राइमरी कैरेक्टर्स है। तो सेट पे बहुत आसानी हो गई, हालांकि ये नॉर्मल वे नहीं है, बहुत सारे इतना सब काम एक फिल्म के लिए कोई करता नहीं है, मैंने तो नहीं सुना है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मैं थिएटर से भी आता हूँ तो वहाँ पे रिहर्सल प्रोसेस होता है 1.5-2 महीने 3 महीने डिपेंडिंग ऑन द प्ले, हम बहुत रिहर्सल करते हैं ताकि वो पक जाए, लेकिन थिएटर की प्रोसेस जो स्टार्ट टू फिनिश प्रोसेस है उसके लिए रिहर्सल्स की बहुत जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा रिहर्सल्स की, फिल्मों के लिए इतना नहीं जरूरत पड़ता है। लेकिन जो जो हमने डिस्कशंस किया उससे बहुत बहुत कुछ निकल के आया, लेयर्स कैरेक्टर के बारे में, स्क्रिप्ट के बारे में, उन केसेस के बारे में, और चीजें जहां जहां हमको थोड़ा सा लग रहा था कि यहाँ पे और बेटर हो सकता है तो बैठे बैठे हम लोग डिस्कस करके उसको चेंज करके फिर पढ़ के फिर उसको परफॉर्म करके हम लोग उसको आयरन आउट करते थे। तो ये एक बड़ी अच्छी बात, बड़ा अच्छा हुआ। एंड कनिष्क वर्मा को मैं बहुत इसका मैं श्रेय देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाया हमारे लिए। जी जी, एंड अब वो तो हमारे साथ नहीं है तो जब भी वो आपको मिले तो आप उनका उन्हें ये मैसेज जरूर दीजिए कि बहुत ही सस्पेंस टाइप की आपने मूवी बनाई है, ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर किल किसने किया, कभी कभी तो मुझे समझ में आ रहा है कि किलर कहीं गुलशन जी तो नहीं है। हो भी सकते हैं भाई, कुछ भी हो सकता है। देखिए सस्पेंस थ्रिलर में मजा तभी है तब जब शक सब पे हो, मतलब ऑडियंस पर्सपेक्टिव से शक मतलब किलर कोई भी हो सकता है, तो आई थिंक इट्स अ हॉलमार्क ऑफ अ गुड सस्पेंस थ्रिलर। एक सस्पेंस थ्रिलर में सस्पेंस नहीं है तो फिर काहे का सस्पेंस थ्रिलर है ना। एंड सेट की बात की गुलशन जी आपने, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सेट ये फिल्म जो है कोविड से क्या पहले आप लोगों ने या कोविड के बाद में? कोविड के बहुत पहले शूट कर लिया था, बन के रेडी थी फिल्म, लेकिन वो कोविड आया तो फिर उनको डिसीजन लेना पड़ा कि क्या, जैसे कि बहुत सारी फिल्में जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आ रही थी, तो जी हमारे साथ पार्टनर थे, पहले से ही रिलीज पार्टनर थे, तो उनका एक आइडिया था कि हम लोग सिनेमाघरों में नहीं जा सकते तो हम सिनेमाघर उनके ड्रॉइंग रूम में ले आएंगे, तो एंड पिक्चर्स द्वारा ये प्रस्तुति कल प्रीमियर होगी 9:30 बजे रात को, और ये हमारी फिल्म, और उम्मीद करता हूँ कि बाकी टेलीविजन चैनल्स भी ऐसे मौके दें। इससे क्या होगा, दो बातें होंगी, एक तो लोगों का मनोरंजन हो जाएगा क्योंकि सिनेमाघर पूरी तरह से खुले नहीं है, और टेलीविजन ऑडियंस के लिए भी एक नया एक कुछ एक्सपीरियंस रहेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई फिल्म जो थिएट्रिकल पे नहीं आई थी या ओटीटी पे नहीं आई थी पहली बार टीवी पर प्रीमियर होगी, तो ये एक ट्रेंड भी हो सकता है। और अगली बात यह है कि कई सारे, अगर ये ट्रेंड पकड़ता है, रफ्तार पकड़ती है, तो कई सारे प्रोड्यूसर्स हैं और नए डायरेक्टर्स खासकर, उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, हम सिर्फ क्या थिएट्रिकल के भरोसे नहीं रहना चाहिए, हम लोग टेलीविजन के लिए भी ये कर सकते हैं, जिससे लोगों को पता चलेगा कि हमारी कहानी क्या है, हम कौन है, हम एक मौका मिलेगा उनको। ये एक काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस है गुलशन जी, अब तक हमने देखा आपकी फिल्में सिनेमाघरों में आती थी, कुछ टाइम कोविड का टाइम आया तो लोगों की फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई, अब आपकी फिल्में हम देख रहे हैं एंड पिक्चर पर आ रही है एंड स्ट्रीमिंग हो रही है, लोग ऐसे देखेंगे, ये कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है गुलशन जी के लिए? डिफरेंट तो पता नहीं है मुझे, क्योंकि ये तो पहली बार हो रहा है कि टीवी ऑडियंस को डायरेक्टली हम लोग ये फिल्म प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये कल ही पता चलेगा कि देखने के बाद वो क्या आएगा, कि लेकिन कुछ कुछ रिव्यूज आ रहे हैं, सब पॉजिटिव ही है, अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि लोगों को भी पसंद आएगी। तो आपकी फिल्म आप कहते हो तो ये मैं है, मतलब मेरी सिर्फ मेरी फिल्म नहीं है, जिन्होंने भी इस फिल्म पे काम किया उन सबकी फिल्म है, सबसे पहले ये कनिष्क वर्मा की फिल्म है क्योंकि उन्होंने ये फिल्म इसकी दिखाई की है, उसका निर्देशन उन्होंने किया, तो बहुत सारा श्रेय तो कनिष्क पे ही रहा। और देखते हैं, पता नहीं एक्चुअली मैं क्योंकि थिएट्रिकल का एक्सपीरियंस हो गया था, फिर ओटीटी का भी एक्सपीरियंस हो गया था, लेकिन टेलीविजन पे पहली बार ऐसा हो रहा है, तो पता नहीं कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं भी देखूंगा, अभी मैं ऑब्जर्व करके देखूंगा कि ये एक्सपीरियंस कुछ अलग होगा, सेम ही होगा, पता नहीं कैसा रहेगा। एक चीज और जानना चाहेंगे, इन दिनों हम देख रहे हैं आपके फिल्म के अलावा देख भी रहे हैं कि जो साल का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल सबसे हाइलाइटेड शो होता है बिग बॉस, जैसे जैसे आपकी फिल्म आने वाली है तो कुछ फॉलो कर पाते हैं आप एंड कुछ देखते हैं आप गुलशन जी? मैं बिग बॉस नहीं देखता। अच्छा अच्छा
मुझे नहीं, मेरे हिसाब से एंटरटेनमेंट नहीं है तो मैं वो सब देखना, मुझे कहानियां पसंद है, फिक्शन में ज्यादा मुझे रुचि है, जी रियलिटी शोज में बहुत कम, मतलब ना के एंड बराबर। बिल्कुल एंड गुलशन जी, पिछले दिनों में जो कुछ भी हैपनिंग हो रहा है, हम देख रहे हैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, लाइक एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोविड आई, कोविड की वजह से ये वो रीजन है कि हम और आप ऐसे ऑनलाइन ऑनलाइन आ गए हैं। एंड उसके बाद हमने देखा कि कुछ ड्रग्स के ढेरों सारे मैटर हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आ गए, जिससे सोशल मीडिया पर बहुत सारी क्रिटिसिज्म होने लगी कि अरे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बायकॉट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को करते। कैसे देखते हैं एज एन एक्टर इन सारी चीजों को, आप जब आप सुनते हैं पढ़ते हैं सोशल मीडिया पर देखते हैं तो कैसे देखते हैं गुलशन जी? मैं एक डिटैच तरीके से देखने की कोशिश कर रहा हूं और अब तक मैं सफल हूं इस चीज में। मैं चीजों को इमोशनली नहीं ले रहा हूं, एक दूर से मैं चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ। अब चीजों को दूर से देखते हैं तो एक्चुअली और ज्यादा बारीकी से देख पाते हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इसमें किसका फायदा है, किसका नुकसान है, ये चीज समझ में आती है। तो मेरी कोई इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे दुनिया में बाकी इंडस्ट्रीज में भी, मतलब आम जिंदगी में भी है, बॉलीवुड में भी कई सारे इश्यूज हैं जिनके जिनका सुझाव कभी कभी हम ढूंढ पाते हैं, कभी कभी नहीं ढूंढ पाते हैं। लेकिन मेरे मेरे हिसाब से जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो लोग, जो प्रमुख लोग इस चीज पे, इस मुद्दे को, इसको मुद्दा बना रहे हैं, उन पे मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि मैं उन पे भरोसा कर सकता हूँ। तो बस इतना ही है, बाकी जिनको जो समझना है समझ लें, तो मेरा ऑब्जर्वेशन इतना ही है। तो जहां पे मैं समर्थन उन्हीं का करूंगा, आवाज में आवाज जब तभी मिला पाऊंगा जब मुझे किसी उन पे भरोसा हो। अगर मैं किसी पे भरोसा नहीं करता तो मैं क्यों करूंगा किसी का समर्थन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो जो वो बोल रहे हैं वो गलत है, ये सही नहीं है। सिर्फ सिंसियरिटी पे सवाल उठा रहा हूँ। कई सारे पॉइंट्स जो पॉइंट आउट कर रहे हैं वो सही है, सही है, इश्यूज है, लेकिन सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित भी नहीं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी, जहां जहां पावर स्ट्रक्चर्स है, जहां जहां जैसे ये फाइनेंशियल सेक्टर में भी प्रॉब्लम है, पॉलिटिक्स में भी प्रॉब्लम है, सब करप्शंस होते हैं। और ड्रग का प्रॉब्लम तो क्या सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है। और ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड के सितारे खुलेआम से ड्रग्स का प्रचार कर रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड में ये प्रॉब्लम हो रहा है और ये बॉलीवुड सितारे ये लाइफस्टाइल जी के लोग यंगस्टर्स को प्रभावित कर रहे हैं कि आपको भी ये करना चाहिए, ऐसा तो कोई नहीं कर रहा है ना। तो सिर्फ बॉलीवुड को टारगेट करना, इसके पीछे फिर मकसद कुछ और हो सकता है, ये मेरा मानना है। जी चलिए गुलशन जी, बैक टू फिल्म, आपकी फिल्म पर आता हूँ मैं। सागरिका नाडिगे जी भी है, मैंने उनका भी, हालांकि ट्रेलर में तो बहुत ही थोड़ा सा वो उनका कैरेक्टर मुझे दिख रहा है, तो अगर आप कुछ बता सके कि कैसा रहा उनके साथ का एक्सपीरियंस, एंड कुछ अगर आप एक्सपीरियंस शेयर कर सके तो। जी, सबसे पहले उनकी फिल्म आई थी चक दे, तब मैंने इंडस्ट्री भी नहीं ज्वाइन किया था, तो मैं बैंगलोर में था तब देखी थी मैंने उनकी पिक्चर और मुझे बड़ी क्यूट लगी थी। तो बाद में यहाँ पे फिर जब पता चला, उसके बाद मुलाकात नहीं हुई, तो कभी मिलना या बातचीत नहीं हुआ। तो फिर मुझे बताया गया कि कनिष्क जब नरेट कर रहे थे तो फिल्म, उन्होंने कहा कि सागरिका को ले रहे हैं। तो मैंने कहा अरे यार वो तो बहुत क्यूट है ना, बहुत सही है। तो लेकिन थोड़ा डर भी था कि उनके सामने मतलब मैं बेवकूफ ना लगूं, क्योंकि कभी कभी होता है ना किसी को देख के आप, अरे ये तो बहुत सही है, लेकिन उनके सामने कभी कभी वो अनजाने में कुछ ऐसा कुछ कुछ ऐसे बेवकूफाना हरकत कर लिया, ऐसे लल्लू लग गया, ऐसा नहीं लगना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से, बहुत प्रोफेशनल तरीके से, क्योंकि जैसा मैंने कहा था पहले कि बहुत तैयारी करने का मौका मिल गया था उनको, कई सारे मीटिंग्स और डिस्कशंस हुए थे, तो उसमें वो आइस ब्रेक हो जाता है और एक दूसरे का जो काम करने का तरीका है वो कैसा है वो समझ में आ जाता है। और तो एक केमिस्ट्री भी समझ में आती है कि कैसे हम लोग चीजों को और ज्यादा इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसका, क्योंकि हमने कुछ रीडिंग साथ में किए थे सारे प्रिंसिपल एक्टर्स के साथ में, तो इससे ये सुविधा हो गई कि सेट पे बहुत कुछ ऐसे हम एकदम मक्खन की तरह सारे ऐसे एक एक दो दो टेक में निकाल देते हैं। चलिए गुलशन जी, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से कि जिस तरह से हमने आपके कैरेक्टर को देखा है यहाँ पर, एंड जिस तरह से हमने कमांडो में आपको देखा था कि ऐसे किल के अंदाज में, तो हम माने ऐसा कि इस तरह के कैरेक्टर को करने में गुलशन जी को काफी मजा आ रहा है, काफी इंटरेस्ट इंटरेस्ट ले रहे हैं गुलशन जी? मुझे एक्टिंग करने में मजा आता है, मुझे यही करना था, मैंने ये चुन तय कर लिया था कि मैं अपना जीवन एक्टिंग के लिए समर्पित करूंगा।
तो फिलहाल तो वही थॉट है मेरी, वही सोच है मेरी। तो कोई भी कैरेक्टर हो एक्टिंग करने से मजा आता है। हाँ कुछ किरदार मुझे इतने इंटरेस्टिंग नहीं लगते तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन चीजों को ना करूँ। अब तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो मुझे नहीं करना था, मैंने मजबूरी में किया था या दबाव में किया था, ऐसा कोई भी नहीं है। इसलिए शायद मैं कम नजर भी आता हूँ, क्योंकि थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ कि एक वर्सिटैलिटी, एक डाइवर्सिटी बनाए रखने की कोशिश में। तो कमांडो में भी एक ऑब्सेस्ड, लेकिन वो व्यूअर्स पर्सपेक्टिव से वो खलनायक था, और यहाँ पे व्यूअर्स पर्सपेक्टिव से खलनायक नहीं है। लेकिन दोनों में एक सिमिलैरिटी है, दोनों में ऑब्सेशन है, लेकिन वो ऑब्सेशन बुरा कंसारी का अलग था और विभान देशमुख का अलग है। लेकिन ऑब्सेशन अच्छा नहीं होता है हमेशा, वो चाहे कुछ भी हो, अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए हो, लेकिन बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हमेशा डेंजरस साबित हो सकता है। गुलशन जी, अब कुछ ही घंटे बाकी लगे हैं आपकी फिल्म को स्ट्रीमिंग होने में एंड पिक्चर पर आने में। अपने फैंस के लिए जिन्हें काफी बेसब्री से इंतजार होता है आपकी फिल्मों का, आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट का, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? और क्या कहें, वो तो देखेंगे। जो मेरे चाहने वाले हैं मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है और बहुत सहारा दिया, बहुत सपोर्ट करते हैं। ये उम्मीद है कि और भी लोग जुड़ेंगे, और भी लोग हमारे जैसे हम जो फिल्में बनाते हैं उसको देखेंगे, उसको सराहेंगे। यही उम्मीद से मैं गुजारिश करूंगा कि टीवी पे 9 बजे 24 तारीख को हमारी फिल्म की पेशकश हो रही है, आप जरूर देखें और हमें बताएं कि आपको कैसी लगी। जी बिल्कुल, हम भी अपना रिव्यू आपको देंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड जल्दी हम इवेंट्स पर एंड ऑन ग्राउंड आपसे मिलेंगे, फिर ढेरों सारी बातें करेंगे, लाइव टू ढेरों सारी बातें करेंगे।